हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। बाकी आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स में जो है स्पीड कैसे बनेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है जाने और अनजाने में कि वो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन जब कभी वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने मेहनत तो बहुत की है लेकिन फिर भी हमारी जो स्पीड है, जितनी स्पीड रिक्वायर्ड थी वहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इसके बारे में जो मेरा विचार है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे विचार ये हैं कि जब तक आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, पहली बात तो ये है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको तब तक स्पीड के बारे में सोचना ही बेकार है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को इतना लाइटली ले लेते हैं कि वो सीधा शॉर्ट ट्रिक्स में इंक्लूड हो जाना चाहते हैं। उन्हें कंसेप्ट क्लियर होते नहीं हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेते हैं, शायद वो या तो मेहनत नहीं करना चाहते ज़्यादा और या फिर जो रिजल्ट है उन्हें बहुत जल्दी चाहिए होता है, कुछ इस तरह की जो अपेक्षाएँ होती हैं अपने से या दूसरों से। तो जब तक आप एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक जो आपका माइंड है वो उस प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा जिस प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, स्पेशली अर्थमेटिक, एडवांस मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स के लिए। इसका आप स्पेशली ध्यान रखें। आप खुद पढ़ रहे हों या किसी के द्वारा आप पढ़ाए जा रहे हों तो सबसे पहले आप कंसेप्ट सीखने पर अपना पूरा फोकस करें, उसे आप उचित समय दें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में उपयुक्त समय चाहिए ही चाहिए। वो कोई रातों रात या ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई आपका एग्ज़ाम 5 दिन में है या 10 दिन में है तो उससे पहले पहले आप मेहनत करके उसे आप तैयार कर देंगे, ऐसा संभव है ही नहीं। तो जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक सीखें कि आपके पास पहला मेथड तो है ही जो ओरिजिनल है लेकिन उससे मेरी जो लेंथ है सवाल की वो काफ़ी ज़्यादा है। आजकल एग्ज़ाम में मुझे पता है, आपका भी पता है, कि 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के लिए जिसमें हमें करना भी होता है, सोल्व भी करना होता है, तो इतना समय कहाँ है कि भाई जो कंसेप्ट है उससे हम करें। इन कंसेप्ट के बिना हमारा जो एक तरह से फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी मैथमेटिक्स या किसी भी अन्य सब्जेक्ट की अवधारणा को समझने के लिए, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपको सलाह है कि कंसेप्ट को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। कंसेप्ट सीखने के बाद अब धीरे धीरे आप शॉर्ट ट्रिक्स पर अभ्यास करें, चीज़ों को समझें, खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ये मेथड इस तरह से था। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये होता है कि जो काम हमने 10 लाइन में किया है उसे हम डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बना दें, डायरेक्ट हम लास्ट के लाइन में कैसे आ जाएं। और अगर आप डायरेक्ट इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ आप रटोगे, लेकिन जब आप कंसेप्ट से सीख के आओगे तो चीज़ें आपको खुद ही महसूस होने लगेगी। किसी से ज़्यादा पढ़ने या पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद ही आपको महसूस होने लगेगी कि हाँ ये जो लाइन आई है या जो ट्रिक बनी है वो इस तरह से हमारा सवाल चल रहा था और इस तरह से इसका आउटपुट निकल के आया है। और लास्ट एक्टिविटी, जब आप कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपके आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होने लगे कि हाँ मैं मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा हूँ, फिर आप बार बार किताबों को ना उठाएं, बार बार उस चैप्टर को ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक सेट पेपर निकालते रहें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो डेली 50 क्वेश्चन करते रहें, अगर आपके पास समय कम है तो डेली 25 क्वेश्चन करते रहें। सेट पेपर जो होते हैं अपने हिसाब से चूज़ करना चाहिए। एक स्टूडेंट अगर मान लें मीडियम है तो उसे टफ लेवल नहीं लेना चाहिए, या कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो उसे मीडियम लेवल नहीं लेना चाहिए। अपनी लेवल को पहचानो सबसे पहले, उसके हिसाब से अपने सेट पेपर उठाओ। कंसेप्ट भी आपके क्लियर हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको आती हैं, अब आपको स्पीड पर काम करना है। घड़ी सामने रखें, मान लें 25 क्वेश्चन करने हैं तो 25 क्वेश्चन आप 20 मिनट में ट्राई करें पहले, सबसे पहले। लेकिन ये सब तब हैं जब आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक्स भी अब आती हैं, समय लगेगा। आप पहले दिन ही सेट पेपर में बैठ जाओगे तो फिर तो डीमोटिवेट तो हो गई, क्योंकि वहाँ तो रिजल्ट आने वाला है ही नहीं। वहाँ 25 क्वेश्चन आप करोगे, 25 में से 20 मिनट में शायद 8 या 10 क्वेश्चन हो पाएंगे जिनमें से 3-4 गलत हो जाएंगे। तो फिर अपने आप से एक चेडेंसी हो जाती है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन सही तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड में जाके फिर आपको बस सेट पे कंसंट्रेट करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, डेली सेट करना है। और आप देखोगे धीरे धीरे आपका जो इम्प्रूवमेंट ग्राफ है वो इम्प्रूव होता चले जाएगा, जितने भी एरर्स थे वे ख़त्म होते चले जाएंगे और जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, वो तुरंत ही मेमोराइज होते चले जाएंगे। क्योंकि सेट पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सेट पेपर में एक क्वेश्चन कहीं से आएगा, दूसरा क्वेश्चन कहीं से आएगा। आप बुक को बार बार करते रहो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, आप वर्क एंड टाइम कर रहे हो, तो उसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं मिलेगा। आप उन क्वेश्चन को जाए कितनी बार ही कर लो, एक्सपर्टीज तभी आएगा जब 25 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट होंगे और आपको वो एक्यूरेसी के साथ करने हैं,
विद इन टाइम पीरियड करने हैं तो धीरे धीरे आपका ग्राफ होगा। जब आप पहला टेस्ट पेपर करोगे उससे मायूस मत होना, क्योंकि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगातार करते रहोगे 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन, तो आप देखोगे कि 2-3 महीने बाद आप इतने अच्छे हो चुके हो कि 25 क्वेश्चन जस्ट आप 8 से 10 मिनट में कर देते हो। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके लिए आपको पेन भी लगाना नहीं पड़ता, ठीक। और आपको अंदर जो चीज़ थी वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका उस सब्जेक्ट में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आप मुझे इस वीडियो में इतने बताना था, बाकी आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।